अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पावन और अरुणिता की 2023 की आखिरी कुछ दिनों का होने वाली सभी लाइव कॉन्सर्ट के बारे में ऑफिशियल अपडेट देने वाली हूँ। जी हाँ, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हम पूरी डिटेल्स के साथ अपडेट को देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल क्रेजी फोर ट्यून्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पवनदीप राजन और अरुणिता कंजीलाल की हर एक आने वाली सॉन्ग की अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप सबकी एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आप सभी आरुदीप फैंस बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं उनके अपकमिंग न्यू सॉन्ग के लिए। बता देती हूँ, पवनदीप और अरुणिता अभी बहुत ज्यादा बिजी है अपने लाइव कॉन्सर्ट के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, आरुदीप की लगातार भारत की एक कोने से लेकर दूसरी कोने तक रोज लाइव शो करना पड़ रहे हैं। ऐसे में आप खुद सोच कर देखिए ना कि ये दोनों इस उम्र में इतने जगह हर रोज लाइव शो कर रहे हैं, इनको भी तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना आराम करने के लिए। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक पवनदीप का एक सोलो गाना आपको दिसंबर की महीने में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है, पवनदीप हाल ही में अपनी कई सारे गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसे में कुछ ही दिन बाद पवनदीप का कोई ना कोई गाना हम सभी फैंस को देखने के लिए मिल जाएगी। तब तक आप सब उनके लाइव शो को एंजॉय करिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके इनके साथ में और सोलो लाइव कॉन्सर्ट की ऑफिशियल अपडेट को बता देती हूँ। सबसे पहले बात करें आरुदीप की साथ में लाइव कॉन्सर्ट के बारे में, तो इनका 17 दिसंबर को एक शानदार लाइव कॉन्सर्ट होने वाली है दुर्लभपुर में। जी हाँ, जिसका नाम म्यूजिक वर्ल्ड इवेंट है, जहाँ पर दुर्लभपुर की ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन वाले ये शो आयोजित किया है, जिसमें काफी सारे लोग आरुदीप की लाइव कॉन्सर्ट को देखने के लिए तैयार है। आप सब इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। उसके बाद अगले लाइव कॉन्सर्ट की बारे में बात करें तो ये होने वाली है भूटान में। जी हाँ, जहाँ पर सिर्फ पवनदीप को इनवाइट किया गया है अपनी शानदार प्रदर्शन करके दिखाने के लिए। जी हाँ, पवन का ये शो 21 दिसंबर को होने वाली है कैलेफू भूटान में। जैसा कि आपको पता ही है, भूटान में पवनदीप का कितना ज्यादा फैंस फॉलोइंग है। इससे पहले भी जब पवनदीप भूटान में लाइव परफॉर्म करने गए थे, तब पवनदीप की शो को एंजॉय करने के लिए कितना ज्यादा लोग आए थे ये तो आप सबको पता ही है। तो आप फिर से पवनदीप को मौका मिला भूटान में अपना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाने का, तो आप सब इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। उसके बाद बात करें पवनदीप और अरुणिता की साथ में लाइव कॉन्सर्ट के बारे में, तो ये होने वाली है 24 दिसंबर को। जी हाँ, जहाँ पर पवनदीप और अरुणिता साथ में अपना शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। उनका ये लाइव कॉन्सर्ट 24 दिसंबर की रात सरस्वती ऑडिटोरियम मॉडर्न कोच फैक्ट्री की लालगंज रायबरेली में होने वाली है, जहां पर पवनदीप और अरुणिता डॉक्टर के साथ में अपना शानदार परफॉर्मेंस करके सबको खुश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। उसके बाद इनका अगला लाइव कॉन्सर्ट होने वाली है 27 दिसंबर को बिष्णुपुर मेला में, जहां पर पवनदीप और अरुणिता साथ में अपना शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बता देती हूँ, ये जगह वेस्ट बंगाल में है और ये शो मेला स्पेशल होने वाली है, जहां पर पवनदीप और अरुणिता को लाया गया अपना शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए। इसके लिए आप सब कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके लास्ट लाइव कॉन्सर्ट के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां पर सिर्फ पवनदीप राजन को बुलाया गया, तो पवन का ये शो 28 दिसंबर को होने वाली है, यानी कि वेस्ट बंगाल की लाइव कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद पवनदीप को तुरंत निकलना होगा अरुणाचल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे पवनदीप और अरुणिता की इस मंथ की सभी ऑफिशियल लाइव कॉन्सर्ट की अपडेट। आपको बस बताना है आप सब इनके कौन सी शो के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलती हो और एक अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।